दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि कोई भी आप लोग ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, चाहे एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, चाहे कोई वैकेंसी आई हो, चाहे आप लोग पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं, चाहे अपना पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए आप लोग को जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो है उसकी साइज़ आप लोग को कैसे कम करना है, यही आप लोग को इस वीडियो में बताएंगे, ताकि आसानी से आप लोग का जो फ़ोटो है वो आपका अपलोड हो जाए, चाहे कोई भी फॉर्म आप फिलअप कर रहे हो। देखिए यहाँ पर हम आप लोग को एग्जाम्पल के तौर पे एक दिखा दें, यहाँ पे एक मेरा फोटो है, मेरा खुद का है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 1.97 MB का है। मान लीजिए इसको आपसे मांगा गया, जो भी आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, 10 KB, 20 KB, 30 KB, 40 KB में मांगा गया हो, तो कभी कभी ऐसा होता है कि साइज हम लोग कम भी कर देते हैं तो अपलोड नहीं होता है, JPEG फॉर्मेट में मांगता है। तो यहाँ पे जो नेम रहता है उसको नेम कर दें आप लोग। देखिए यहाँ पे जैसे कि ये हम यहाँ पे नाम है, इसे डायरेक्ट लिख देंगे JPEG, इस तरीके से हम लिख देंगे, तो अगर हमारा साइज उसके अंडर में आएगा तो ये अपलोड वहाँ पे हो जाएगा। चलिए अभी साइज कम करने को आप लोग बताते हैं। सिंपल सा अपना माउस पॉइंटर इस फोटो पे लाइएगा, राइट क्लिक करिएगा, यहाँ पे देखिए ओपन विथ, यहाँ पे पेंट में आप ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पे हम जो साइज कम करना बता रहे हैं, यहाँ पे साइज कम हो जाएगा, अपलोड भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए रिसाइज का ऑप्शन मिलेगा, रिसाइज पे क्लिक करना है, यहाँ पे पिक्सल वाले पे क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पे 5000 है तो सीधे हम 1000 यहाँ पे फिलअप करते हैं, 1000 फिलअप करने के बाद एंटर दबाएंगे तो यहाँ पे देखिए अभी 2 MB दिखा रहा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इसको कंट्रोल अब दबाएंगे और अपने कीबोर्ड का एस बटन दबाएंगे साथ में, तो यहाँ पे देखिए ये सेव हो गया। अब ये कितने KB का हो गया, 198 KB का हो गया। चलिए हम आप लोग को दिखा दें, यहाँ पे हम फोटो फिर से आएंगे, प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए 198 KB का हो गया है, ठीक है। अब हमको मान लीजिए और भी कम हमसे मांगा गया, तो सिंपल सा इस पे राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ पे आएंगे, पेंट पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे रिसाइज पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे जैसे कि 1000 पिक्सल है तो इसको हम सीधे कर देंगे 400। देखिए अगर नाम यहाँ पे मांगा गया तो ये कैसे आप लोग को लिखना है ये भी हम बता देते हैं। अब हम क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड का कंट्रोल एस बटन प्रेस दबाएंगे तो यहाँ पे देखिए 73 KB का हो गया, तो हमको 50 KB के अंडर चाहिए। दोबारा से हम इस पर क्लिक करेंगे, इस पर हम पिक्सल पे क्लिक करेंगे, 400 की जगह हम 200 करके यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे, या माउस अपने कीबोर्ड का एंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे नहीं ऑप्शन आ जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ पे हम कंट्रोल प्लस एस फिर से दबाएं तो यहाँ पे देखिए 44 KB का हो गया, मतलब 50 KB के अंडर हो गया। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे आपके फोटो पे जो नाम लिखा है, नाम नहीं लिखा हुआ, तो कैसे लिखेंगे, सिंपल सा इस वाले चेकबॉक्स पे क्लिक करना है, यहाँ पे देखिए फिल का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पे सॉलिड आपको सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे फर्स्ट कलर बॉर्डर का होता है तो इसको भी हम वाइट सेलेक्ट कर लेंगे, और दोबारा से हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे वाइट पे क्लिक करके इसको भी वाइट सेलेक्ट कर लेंगे। अगर बॉर्डर आप किसी और कलर से रखना चाहते हैं या कलर चेंज कर सकते हैं इस पर क्लिक करके, तो हमको इसको भी वाइट चाहिए तो हम इस पर क्लिक करके वाइट कलर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरीके से ना अपना यहाँ पे हम इसको इस तरीके से सेव बना देंगे, तो ये वाइट कलर का हो गया। अब हमको क्या करना है, नाम लिखना है, तो सिंपल सा टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट वाला सिंबल बना है, इस पे हम क्लिक करेंगे। अब आपको क्या करना, अपना जो भी आपका नाम हो, नाम आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कलर है इसको हमको चेंज करना होगा, तो यहाँ पे हम ब्लैक अब चूज कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम देखिए अमित कुमार। अगर आप इसका साइज बड़ा करना चाहते हैं, बोल्ड वगैरह करना चाहते, इस पर क्लिक करके यहाँ पे बोल्ड भी कर सकते हैं, साइज को भी बड़ा कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, और इसको इस तरीके से खींच के आपको बड़ा कर देना, अपने हिसाब से सेट कर देना है, ठीक है। ये यहाँ से इस तरीके से इसको मूव वगैरह कर सकते हैं, इसके आगे नहीं जाएगा, अगर यहाँ पर रहेगा तब ये मूव होगा इस तरीके से, तो आप अपने हिसाब से मूव भी कर सकते हैं, और कहीं भी बाहर क्लिक कर दीजिए, इस पे कहीं फ़ोटो क्लिक कर दीजिए, ये नाम लिख गया है। तो इस तरीके से ना आपको नाम भी यहाँ पे फिलअप करना है। अगर अपना डेट वगैरह भी डालना चाहते हैं तो नीचे डेट वगैरह भी आप लोग डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग को अपना फ़ोटो रिसाइज करना है, नाम अपने फ़ोटो पे लिखना है। और भी कोई जानकारी चाहिए, अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप लोग चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब के लिए बाय बाय।